होगा। मैं संदीप परमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम पहुँच गए जनता स्वीट शॉप पे। आज हम आपको यहाँ के स्नैक्स और यहाँ पे जो स्वीट शॉप है उनके बारे में डिटेल देंगे, साथ ही साथ ओनर के साथ बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि अभी तक आपको पता नहीं होगा। क्या जर्नी रही जनता स्वीट शॉप की, कहाँ से शुरुआत हुई और काम के पीछे क्या कितनी मेहनत है, कितने सालों का जो मेहनत है, जो कड़ी मेहनत है इतने सालों की, उसके पीछे क्या राज है और क्या टेस्ट ये मेंटेन करते हैं, उस सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं जनता स्वीट शॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी जनता स्वीट शॉप के अंदर खड़े हैं और अगर क्वालिटी की बात करें, फूड की बात करें, स्नैक्स की बात करें तो आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ और स्नैक्स ही स्नैक्स हैं, जिन्हें हम आने वाले समय में पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं। वो मिठाइयाँ कैसे जनता स्वीट शॉप पे बनती हैं, कैसे क्वालिटी मेंटेन की जाती है और कितनी हाइजीन मेंटेन की जाती है, तो सभी को लेकर आने वाले समय में पूरा वीडियो लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसे आने वाले समय में आपको स्नैक्स और जितने फूड आइटम है वो आपको बनता हुआ बताएंगे कि कितनी हाइजीन के साथ बनते हैं। और यही बहुत बड़ा राज है इनके टेस्ट के पीछे कि हाइजीन और क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो आइए आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ एक सिनेमेटिक व्यू ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम हैं जनता स्वीट एंड शॉप पे और अगर हम जनता स्वीट एंड शॉप की बात करें तो जो जनता शब्द है वो डेमोक्रेसी का एक शब्द है। तो आज हमें कहावत याद आ गई जो कि एक वर्ड भी है कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुने गए शासन को प्रजातंत्र कहते हैं यानी डेमोक्रेसी। तो ये जो स्वीट शॉप है वो जनता के नाम पर है और लोगों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ हमारे साथ आज इनके ऑनर बैठे हुए हैं तो इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इस स्वीट शॉप की शुरुआत कहाँ से हुई और सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं पीछे राजस्थान जोधपुर से रहने वाला हूँ। मैं 32 2002 में आया था, अपने छोटी सी दुकान गुड में डाली थी, चाय नाश्ता की और स्नैक्स की। उसके बाद 2004 में हम बद्दी आए, यहाँ इंडस्ट एरिया अच्छा है और बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो बद्दी का हमने रुख किया। उसके बाद 2002 में हमने रामदेव नमकीन स्वीट्स के नाम से बद्दी ब्रांच खोली। उसके बाद जैसे जैसे लोगों का प्यार बढ़ता गया और अच्छी क्वालिटी देखे गए, प्याज की कचौरी राजस्थान की, मुगल कचौरी हो गई, स्वीट्स हो गया। उसके बाद हमने 2010 में जनता स्वीट खोली। जो सही जैसा कि सर ने बताया कि जो यहाँ पर रामदेव स्वीट शॉप है वो भी नहीं की है, अगर आप बद्दी में कहीं भी रहते होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपने रामदेव की कचौड़ी नहीं खाई होगी। आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते होंगे आपने एक बार रामदेव की कचौड़ी है वो जरूर खाई होगी और वहीं से शुरुआत हुई थी। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लगन है। तो पहले इनके डेली रूटीन की बात कर लेते हैं कि एक स्वीट शॉप को चलाने के लिए या फिर 3 जो आउटलेट हैं उनको चलाने के लिए एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है
क्योंकि लोग सिर्फ इनको अभी इनकी सक्सेस को ही जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये कितनी मेहनत करते हैं और सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक सर क्या क्या आपका रूटीन रहता है सर? मॉर्निंग में हमने 6 बजे उठना होता है जी, और पूरा दिन का वर्क होता है हमारे पास। करीबन 60-70 लड़के जो कारीगर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री भी ये भी हमने ले रखी है, वहाँ पे भी मशीनें द्वारा भी काफ़ी काम होता है। जो मिठाइयाँ बनती है हमारी, वो सारी मिठाइयाँ मशीन के द्वारा बनती है, ना कि हाथ से। पहले जैसे छोटे छोटे कारीगर होते हाथों से कढ़ाइयों से बनाती थी, वो सिस्टम बंद हो गया है। अब हमने इंडस्ट्री बड़ा एरिया की तरफ बना दिया है, जामुन रसगुल्ले की मिठाई की सारी मशीनें आ गई हमारे पास में। मशीनें द्वारा निर्मित अच्छी क्वालिटी की मिठाई बनती है, ना कि हाथ से या गंदों वाली मिठाई, वो सब खत्म हो गया काम। अभी सिर्फ मिठाइयाँ बन रही है तो मशीनों द्वारा बन रही है। उसके बाद में 60-70 वर्कर है, रात को 12-1 बजे तक हमारा काम चलता है। मॉर्निंग वापस वही रोज का टर्म 6 बजे का उठना, पूरा दिन मेहनत करना, लोगों का विश्वास जीतना, जो बद्दी वालों का विश्वास हमने जीता है, तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हमारा। लोगों का प्यार है, मिस्ट्री एरिया वालों का प्यार। जैसा कि सर ने बताया, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सुबह 6 बजे उठना कितना टफ है आप भी जानते हैं, लेकिन 3-3 आउटलेट चलाना और इतने सारे लोगों को संभालना, उसके साथ क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है जो कि यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। अब हम सर से जानना चाहेंगे कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऐसे कौन से आउटलेट हैं जहाँ पर जनता स्वीट शॉप के केक हैं या फिर स्वीट्स हैं, स्नैक्स हैं, जो कि लोग अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, और कितने किलोमीटर के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल है सर? हमारी पूरी BBN में फैसिलिटी है। लोग घर बैठे मोबाइल नंबर से, जमाटो स्विगी से और जमाटो से ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। काफ़ी आजकल आपको बताइए ज़माना वो आ गया है उसका पेमेंट का, तो आप लोग उसमें भी ऑर्डर दे सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने हमें क्वालिटी की बात कही, तो सर ने बताया कि हमने एक फैक्ट्री भी ले रखी है, तो आने वाले समय उसका भी आपको वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे कितनी हाइजीन के साथ और कितनी क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन की जाती है, जिसका यही नतीजा है कि यहाँ पर कस्टमर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जनता स्वीट शॉप की जो पॉपुलरिटी है वो भी आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो सर, आने वाले समय में और आप क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमारे यहाँ बद्दी में 4 आउटलेट है, एक रामदेव स्वीट्स है, एक श्री रामदेव स्वीट्स है, एक जनता स्वीट्स है और एक नालागढ़ में अभी हमने खोला है रामदेव स्वीट है नमके रोपड़ रोड पे, वो भी हमारे एक आउटलेट अभी खुला है 2-3 महीना पहले। अभी तो यही चल रहा है, बाकी देखते हैं जैसे लोगों को प्यार बढ़ेगा तो की देखते हैं रोटी वाला बद्दी और भी आउटलेट खोलना है हमने। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? उनका ये कहना चाहता हूँ, लोगों का प्यार बना रहे, जो आए टेस्ट करें बेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम सर से जानना चाहेंगे कि अगर कोई जनता स्वीट शॉप में पहली बार आता है और उसे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या खासियत है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे यहाँ पर ट्राई करनी ही चाहिए, अगर वो नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, तो सर ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनके लिए आप सजेस्ट करेंगे? जी, राजस्थान प्याज कचौरी, प्याज की कचौरी है, वड़ा पाव है, दूसरा हमारा स्वीट्स है रसमलाई है, स्पेन रसगुल्ला है, राजभोग है बंगाली स्वीट से, देसी घी की काफ़ी मिठाई है हमारे पास में, काफ़ी आइटम है, एक बार जरूर आए टेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज सर हमारे साथ थे और बहुत ही ऐसा कम समय होता है, काफ़ी ट्राई करने के बाद आज हमारी सर से मुलाकात हुई, क्योंकि बहुत सारे आउटलेट हैं वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करना और मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी कीमती समय था सर का। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से जनता स्वीट शॉप पे क्वालिटी मेंटेन की जाती है, किस तरीके से आप जनता स्वीट शॉप पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और कहां कहां इनके आउटलेट हैं, किस किस नाम से हैं और ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो, या फिर वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि आप यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें, और फर्स्ट टाइम आप आते हैं और अगर आपने वो टेस्ट नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो सर, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी या कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले समय में जब भी आप इस वीडियो को देखें या फिर अभी जो देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जनता स्वीट शॉप पे आएं, एक बार यहाँ पर सेवा का मौका जरूर दें और यहाँ का अगर आपने स्नैक्स जो टेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल राजस्थानी टेस्ट है, तो रूटीन कस्टमर है, इसीलिए हम यहाँ पर आज सामने आपके बैठे हुए हैं। तो हमारी भी आपसे गुजारिश है, आप जनता स्वीट शॉप पे आएं और यहाँ का टेस्ट लें और आपको तो ये हमारा भल्ला आ गया है। दो पहले हमने अभी बन रहा है दही भल्ला, तो सबसे पहले हमने भल्ले लिए 2 पीस, उसके बाद में हम दही डालेंगे, तो ये बहुत ही बेस्ट और क्रीम वगैरह डाली हुई थी, बढ़िया दही होती है हमारी। दही के बाद आ गया हमारा मीठी चटनी,
तो ये 10-15 आइटम डाल के हम चटनी बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट चटनी होती है हमारी साग चटनी, जो पाउडर वगैरह डाल के। उसके बाद में ये हरी चटनी है जो ग्रीन चटनी बोलते हैं इसको। उसके बाद हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू, सुकेंदर। उसके बाद हमारे मसाला आ जाएंगे, तो मसाला सारा मिक्स किया होता है, 15-20 तरह के हमारे खुद का मसाला पीसा होता है हमारा बढ़िया सा खुद मसाला। उसके बाद आ गई हमारी ये नमकीन, और ये बन गया आपका स्वादिष्ट दही भल्ला। एक बार आप टेस्ट कीजिए, देख सकते हैं ये है हमारा लजीज दही भल्ला। और हमें थोड़ा सा दही से एलर्जी है इसलिए हम खा नहीं सकते हैं, तो हमारे फ्रेंड हैं वो खाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आपको बताएंगे कि दही भल्ले का टेस्ट कैसा है और मुंह में जाते ही कैसा लगा उन्हें। बेस्ट दही भल्ला है। जब भी मैं बद्दी आता हूँ जनता स्वीट्स पे जरूर आता हूँ, स्वीट्स की आप जरूर आओ यहाँ पे। जब भी बद्दी आना है ना आपने जनता स्वीट्स पे आना है। अगर आप बद्दी आए और जनता स्वीट्स ना आए तो क्या फायदा। ये देखो काजू भी है इसमें, ड्राई फ्रूट काजू, मजा ही आ गया। स्वाद पंजाबी भी जी आएंगे ना चखते बटे, वो वाला स्वाद है जनता स्वीट का। आया मैं तो 2-3 प्लेटा खत्म करके जाऊंगा आज। मैं तो देखो पहले आया तो फ्रेंड्स टेस्ट करके आपको पता चली गया होगा, इतनी तारीफ और स्वाद आप देख सकते हैं कितना शानदार है और देखने में कितना शानदार, और आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप देख सकते हैं हमने आपको आज दही भल्ला बनते हुए भी आपको दिखाया। यहाँ पे दही भल्ला नहीं और 60 यहाँ पे 60 डिशेज है, वो आप एक भी डिश चख के देख लेना आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन, आपको जेन्युइन घर का टेस्ट मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप फील करोगे कि हम कहीं बैठे हैं, आप इंजॉय करोगे अपना खाना भी और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर भी, आपको यहाँ का स्टाफ भी बिल्कुल ही अच्छा है, इनकी जो सर्विस है अप टू द टाइम है, और यहाँ पे आप देखोगे कितनी क्लीननेस है, कितनी सफाई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। आपको 50 rupees है, आप एक मिडिल फैमिली वाला बंदा भी आराम से एक नहीं 3-3, 4-4 खा के जाएगा। एक बार मुँह पे लग गया ना तो 3-4 वो खा लेगा। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे वो कस्टमर जो कि यहाँ पर डेली आते हैं, और अगर रिव्यू की बात करें तो ये अपने रिव्यू शेयर करना चाह रहे हैं, और बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो कैमरे को देखकर बोल पाते हैं, तो ये उनमें से एक है, तो इनसे हम अपना रिव्यू लेना चाहेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जनता स्वीट्स के बारे में, स्पेशली वो दो शब्द जो कोई भी सुने और यहाँ पर वो शब्द सुन के आए। ये अगर प्रोडक्ट और क्वालिटी की बात करी जाए तो सबसे बेस्ट है जनता स्वीट्स। जैसे अभी कोरोना काल में देखा जाए इधर उधर हाथ लगाना, सेफ्टी के लिए देखा जाए सबसे बेस्ट रहता है यहाँ, मतलब सेफ्टी सबसे बेस्ट है और क्वालिटी तो सुपर डुपर हिट है यहाँ की। किसी तरह की कोई भी मतलब कोई शिकायत ही नहीं है यहाँ, प्रोडक्ट बिल्कुल मतलब जो भी खाना है बिल्कुल बंदा रिलैक्स होकर बैठ के खा सकता है, ना ज़्यादा कॉस्टली है ना कुछ और, जैसे कि अपना बिल्कुल सेफ्टी वाइज तो बिल्कुल बेस्ट है ये और क्वालिटी वाइज सुपर डुपर। जो लोग यहाँ रह के भी अगर जनता स्वीट्स में नहीं आए हैं, जो बाहर वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर विजिट करें, जिन्होंने जनता स्वीट्स के समोसे नहीं खाए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे हैप्पी कस्टमर जो कि यहाँ पर हमेशा ही आते जाते रहते हैं, तो आज जनता स्वीट्स के बारे में हम इनसे रिव्यू लेंगे, साथ ही साथ पूछेंगे यहाँ की स्वीट्स और जो स्नैक्स हैं उनका यहाँ पर क्या टेस्ट है और क्या मजबूर करता है इनको जो यहाँ पर ये बार बार आते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जनता स्वीट्स है उसकी जो मिठाइयों की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी है दैट आर वेरी रीजनेबल रेट, एंड जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, एंड एज कम्पेयर टू जो और बद्दी मार्केट में जो शॉप है इसको कंपेरेटिवली जो रेट्स हैं वो इनके अच्छे हैं। और मैं एक कंपनी से बिलोंग करता हूँ, हम लार्ज कैटरिंग भी या लार्ज तरह की मिठाइयाँ या लार्ज किस्म की मिठाइयाँ लेके जाते हैं बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में, तो हमेशा ये इनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है चाहे आप ह्यूज तरह के ऑर्डर भी करो। तो मतलब आप अपनी कंपनी में अगर कुछ भी कोई ऑफर होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो यहीं से स्वीट्स ऑर्डर करते हैं। यस, हमारे कंपनी का टाइप भी इनके साथ, हम इससे आज से ही बहुत सालों से लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे हैप्पी कस्टमर जो कि एक फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं, तो इन्हें कभी भी कोई भी ऑर्डर देना होता है तो ये बद्दी में सिर्फ जनता स्वीट्स को ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज क्राउड है यहाँ पर, और टेस्ट की बात करें तो इतना क्राउड देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्ट इनके स्नैक्स का स्वीट्स का कैसा होगा।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए, थैंक यू कस्टमर्स। और हमारे साथ थोड़े से अपने व्यू शेयर करेंगे कि यहाँ के स्नैक्स का टेस्ट क्या है और क्या इनको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज है और कैसा लगता है इनको यहाँ पर आकर जब भी यहाँ पर आते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हैप्पी कस्टमर्स जिन्होंने अपने व्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। और भी यहाँ पर बहुत कस्टमर है, थोड़ा सा क्राउड भी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हम आपके लिए व्यू शेयर करते रहेंगे। सर हमने तो स्पेशली रसमलाई की है, जनता स्वीट से अच्छी रसमलाई मिलना मुश्किल है, बदली मिलती है। तो जो व्यूअर हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पर आती फर्स्ट टाइम ट्राई करें? व्यूअर्स में ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले की रसमलाई खाएं, यहाँ की रसमलाई बेस्ट है, फिर मिठाई तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड ने आपको जो यहाँ पर दही भल्ला था उसे टेस्ट करके बताया। और अगर क्वालिटी की बात करें तो वो टेस्ट करने से ज़्यादा कहीं ना कहीं बोल रही थी, जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा टेस्ट रहा होगा और कितनी क्वालिटी रही होगी, कितने सारे आइटम्स रहे होंगे जो जिसका स्वाद वो बताए बिना रह नहीं पा रहे थे। हमारे फ्रेंड्स को तो बहुत मज़ा आया, होप सो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जब भी आप जनता स्वीट्स में आएँ दही भल्ला इंजॉय करें। और बहुत भी ऐसे स्नैक्स हैं जो कि आपको हम आने वाले समय में उसको बनता हुआ और टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो एक बहुत बड़ी लंबी सीरीज होने वाली है, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जनता स्वीट शॉप पे जरूर लेके आएँ और आप खुद भी आएँ और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी लेके आएँ। आप यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर हम फैमिली पार्टी की बात करें या बर्थडे पार्टी की भी बात करें तो रेस्टोरेंट भी है और फैमिली हॉल भी है, जहाँ पर आप आराम से पार्टी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, है ना। तो आप यहाँ पर आएँ और इस लोकेशन को इंजॉय करें और यहाँ के फूड को टेस्ट करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर जरूर आएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।